गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं राजस्थान में बनने वाली भरवा मिर्च की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके सामने। सबसे पहले अपन मिर्च धो लेंगे। मिर्च धोने के बाद अपन सीधा सीधा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अगर आप ये मिर्ची तीखी नहीं होती है तो इसके दाने निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप एक पैन चढ़ा लेंगे, जैसे मैंने चढ़ाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, पैन चढ़ा दिया है। पैन चढ़ाने के बाद 2 स्पून आप ऑयल डाल दीजिए, 4-5 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिए। थोड़ा सा ही है मेरे पास, चम्मच में छोटी है इसलिए मैंने ऐसे ऑयल लिया है। इतना ऑयल लेने के बाद आप इसमें थोड़े से सौंफ के दाने डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। सौंफ के दाने डालने के बाद इसमें आप थोड़ी सी हींग डालेंगे। इससे डाइजेशन अच्छा होता है और सौंफ इसमें ज़रूर डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इस समय आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, हिला लीजिए, ये हो जाने दीजिए गरम में। अब इसमें आप थोड़ा सा जीरा मिला लीजिए और इसको तड़क जाने दिए। हींग भी मैंने डाली है, इस बात का ध्यान रखिए, हींग भी इसमें अच्छी लगती है बेसन की मिर्च में। अब ये देखिए, जीरा और सौंफ और हींग अपनी तड़क चुकी है। तड़क जाने के बाद आप इसमें दो टेबल स्पून आप इसमें बेसन ले लेंगे। मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, ये थोड़ी मिर्ची मेरी ज़्यादा है इसलिए, आपकी मिर्ची कम या ज़्यादा जिस तरह से हो आप उस तरह से ले लीजिए। और फिर आप हिला दीजिए जैसे मैं हिला रही हूँ। अब बेसन को आपको जब तक पकाना है जब तक इसमें इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें खुशबू नहीं आने लग जाती। अगर ये जब तक पकेगा नहीं तो ये चिपकेगा। अगर ये कढ़ाई छोड़ देता है इट्स मीन्स आपका बेसन पक चुका है। इसको धीमी आंच में ही आप इसको अच्छे से पकाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। और तेज आंच कर देंगे तो आपका बेसन जल जाएगा, इसलिए धीमी आंच में ही आपको इस तरह से ही जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। ये आपको ऐसे कंटिन्यू स्टर्स करना है जैसे मैं कर रही हूँ वैसे। अब धीरे धीरे ये बेसन सिकने लगा है, इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। जिस स्टेज पे इसको बंद करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहिए। हिलाने के बाद क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें अपन ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है बेसन की मिर्ची। अगर आपके पास कोई सब्जी ना हो तो भी आप ये साइड में रोटी के साथ आप ये खा सकते हैं। एज अ साइड आप इसको सर्व भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। अगर आपके घर में अचार ना हो तो ये बेसन की मिर्ची दे तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कंटिन्यूसली स्टेयर कर रही हूँ, इससे क्या होता है हर जगह से बेसन इक्वली सिकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेज पे अपन गैस बंद कर देंगे। ये अब अपना सिक चुका है, ज़्यादा अपन को नहीं सेकना है। अब ये अलग अपन प्लेट में निकाल देंगे जिसमें अपन मसाले बनाएंगे। जैसे मैं निकाल रही हूँ वैसे आप भी इसको दूसरे उसमें निकाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब अपन ने बेसन सेक लिया था, अब अपन इसको अच्छे से निकाल दिया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपन इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद अपन इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1-2 चम्मच धनिया पाउडर।
एक दो और तीन, तीन टेबलस्पून धनिया पाउडर डालने के बाद। अगर आपको लाल मिर्ची डालनी है तो आप डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मिर्ची जो अपन बना रहे हैं वो कम तीखी है, इसलिए स्पाइसनेस के लिए अपन मिर्ची डालेंगे। मिर्ची डालने के बाद अपन इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे आप भी इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग 2 चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद आप इसमें जीरा पाउडर डालिए, जैसे मैं डाल रही हूँ। जीरा पाउडर डालने के बाद आप इसमें अमचूर पाउडर डालिए, 2 चम्मच, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालिए जिससे इसकी खटास आएगी, ठीक है। अमचूर पाउडर डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालिए, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। अब ये सारी चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए। अब इस ये अपना ड्राई, एकदम ड्राई फॉर्म में हुआ है बेसन। अब इसमें आप थोड़ा सा, या तो अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, तो वो थोड़ा सा आपका ये बेसन गीला हो जाएगा। और या तो आप इसमें, जैसे मैंने अमचूर डाला है तो मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी, इससे क्या होगा पूरा भरने में अच्छे से आएगा। जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे आप भी मसाले में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालकर फिर आप थोड़ा सा हाथ से इसको मिक्स करिए, फिर मिक्स कर जैसे मैं भर रही हूँ वैसे आप अपना मसाला भर। देखिए ये मिक्स ऐसे आपको हाथों से करना है जैसे मैं कर रही हूँ, गरम गरम में ही आप मिक्स कर दीजिए, इससे क्या होगा सारा मसाला आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए अभी गरम है, अब अपन मिर्ची भरेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर दिया है, ऊपर से धनिया मिला दिया, आप भी धनिया मिला देना। अब अपन अपनी मिर्च भरेंगे, जैसे मैं भर रही हूँ वैसे आप भी अपनी, जैसे ऐसे कट लगाकर बीच में से और इसको मिर्ची को भर दीजिए। पहले मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर कट लगा दिया। अभी मिर्ची को अच्छे से आप फिल कर दीजिए, जितना आपको फिल करना है, ठीक है। इसे दबा दबा कर इसको अच्छे से भर दीजिए, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। ऐसे जैसे मैं भर रही हूँ वैसे सारी मिर्ची आपको भर देनी है, जितनी आपने काटी है। भरने के बाद फिर अपन इसको कढ़ाई में तेल लगाकर अपन इसको पका लेंगे मिर्ची को। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मिर्ची भर दी है, स्टफ़ कर दी है। इसी तरह से आपको सारी मिर्ची स्टफ़ कर देनी है। उसके बाद अपन पैन चढ़ाएंगे, जैसे मैंने चढ़ाया मैं बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें 4 टेबलस्पून अपन ऑयल डालेंगे। अब 4 टेबलस्पून अपन ऑयल डालेंगे, जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे ही आपको भी इसमें ऑयल डाल देना है, जैसे मैं डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल डालने के बाद ऑयल को गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद ऑयल अपना गर्म हो चुका है। अब इसमें अपन ऐसे मिर्ची, स्टफ करी हुई मिर्ची इसमें डाल देंगे। जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे आप भी सारी मिर्ची इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा हिला दीजिए, फिर अपन इसको ढक लगा देंगे। जरा सा ऑयल लगाया अपन ने,
इसी ऑयल में इसको आप ढक दीजिए और फ्लेम आपका स्लो ही रहना चाहिए। ऐसे हाफ ढक दीजिए और फ्लेम स्लो रखिए। मीडियम फ्लेम में आपको इसको मिर्ची को पकाना है। फिर जब रेडी हो जाएगी, मैं अभी ऐसे ही करनी होने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ढक हटाकर आपको इस तरह से जैसे मैं ऐसे हिला रही हूँ, वैसे आपको भी हिलाकर अनदर साइड से पकाना है, वरना एक ही साइड से आपका ये मिर्ची पकती रहेगी और दूसरे साइड से पकेगी नहीं। अगर आपका मसाला बचा है तो एंड में आप जब मिर्चियाँ पक जाएगी तब एंड में आप ये मिर्ची को डालेंगे, मसाला इसमें डाल देंगे जो जो मसाला आपका बचा हो। जिस साइड से पकिया नहीं है उस साइड से आपको पकाना है। जैसे मैं हिला रही हूँ वैसे आपको भी हिलाना है, क्योंकि एक वन साइड से ही पक जाएगी आपकी मिर्ची, वरना ये देखो कुछ इस तरह से दिखना चालू होगा। अब वापस आप इसको ढक लगा देंगे। धीमी आंच में ही पकने दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी मिर्ची ऑलमोस्ट पक चुकी है। देखिए ये देखिए मिर्ची पूरी पक गई है दोनों साइड से। अब इस स्टेज पे आप जो आपका मसाला बचा है, ये मेरा बच गया था, वो इसके ऊपर डाल सकते हैं, या आप अगर पराठा बनाना चाहते हैं इसका, या किसी और चीज़ में आप भरना चाहते हैं, ये उसके लिए भी काम आ सकता है। इसका पराठा भी बहुत अच्छा बनता है अगर आप इसी बेसन के मसाले से अगर आप पराठा बन। अब आप इसको हिला दीजिए। नॉर्मली मिर्ची अपनी ऑलरेडी पक चुकी है। अब ये बेसन की मिर्ची अपनी रेडी है। मैंने ऑयल कम डाला है, आप ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखें, अब आप इसको ढक दीजिए और पकने दीजिए, फिर मैं आपको सर्व कर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अपनी मिर्ची, बेसन की मिर्ची राजस्थानी स्टाइल रेडी हो चुकी है। मिर्ची सारी पक गई है। इस स्टेज पे आप इसको हिलाकर अच्छे से देख लीजिए। ये देखो सॉफ्ट हो गई हमारी मिर्ची। अब मैं आपको सर्व कर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन की राजस्थानी स्टाइल स्टफ बेसन की मिर्ची रेडी है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको भरवा मिर्च कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।